मंत्रियों के मृत्यु के बाद पहली कैबिनेट की बैठक और हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार उत्पाद सिपाही दौड़ में जो मृत्यु के प्राप्त हुए हैं ऐसे युवाओं के मुआवजे के लिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड किया था 50 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी, वो कैबिनेट मुहर लगाएगी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यजनक तरीके से, बड़े ही हास्यास्पद तरीके से और गैर संवेदना दिखाते हुए आज झारखंड के हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट मंत्री अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी जो मृतक परिवार है उनके लिए 1-1 लाख रुपये का सहायता किया है। 1 लाख रुपये कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। ये राज्य सरकार युवाओं के जीवन को एकमात्र वोट का खिलौना ही समझता है। इनको कोई भी संवेदना नहीं है, ये तुगलकी सरकार है और इस सरकार से कोई उम्मीद झारखंड को नहीं है। अभी भी समय है मुख्यमंत्री जी, उत्पाद सिपाही दौड़ में जो मृत्यु हुई है वो आपके कारण, आपके गलत नीतियों के कारण हुई है। उनको अविलंब 50 लाख रुपया मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी दे, नहीं तो 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो अपना ये वादा पूरा करेगी। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।